क्या हेडिंग का नाम दे दे, क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए अनिकेत? केमिस्ट्री का स्पेलिंग बताओ। रुक जाओ रुक जाओ, सौरभ बताएगा। केमिस्ट्री का नाम सुना है कभी? केमिस्ट्री भी होता है कुछ नाम सुना है? कौन कौन नाम सुना है पहले हाथ ही? हाँ ठीक, तुम भी नाम सुन लिया केमिस्ट्री का? अरे वो हाथ उठाए हुए, क्या नाम है उसका बचवा? अरे ये कॉमन क्लास है, इसमें थोड़ा सा बेसिक्स करवाएंगे, उसके बाद फिर ये अब क्लास कभी नहीं होगा क्योंकि शूट कर लिए हैं। अब जिसको दिक्कत होगा जाना यूट्यूब पे और मेरे चैनल का व्यू बढ़ाना है ना, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाने से ना फेड अप हो जाता है। हाँ ठीक है, तो बताओ केमिस्ट्री का स्पेलिंग बता रहा था ना? ना गलत हो गया। हाँ ठीक है, इतना तक तो ठीक है। ची केमिस्ट्री, आर आई केमिस्ट्री, नहीं आर आई नहीं वाई होना चाहिए लगता है। इसमें क्या पढ़ते हैं आनंदिता केमिस्ट्री में? हाँ केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है इसमें? कुछ पढ़ते हैं ना ये? अच्छा ये किस, मिस्ट्री नहीं जानता है मिस्ट्री? अरे वहाँ दिख जाता है, इतना बड़ा तो लिख रहे हैं, लिखेंगे तो सॉरी। इसमें हम साइंस का ये पार्ट है ना, साइंस का ही एक पार्ट होता है। साइंस आगे चल करके तुम्हारा तीन पार्ट में पड़ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है ना? तो बायो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल के बाद में, फिर बायो भी दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगा, जियोलॉजी और बॉटनी में। बॉटनी में सिर्फ प्लांट के बारे में और जियोलॉजी में एनिमल्स के बारे में, ठीक है? और बाकी बचेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फेनोमेना, जो फिजिकल फेनोमेना होता है जैसे फोर्स हो गया, मोशन पर ही ये सब, और केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्ट करता है जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है? तो फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल में हम लोग क्या पढ़े, दो तरह का रिएक्शन पढ़े ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो दिखता है वो फिजिक्स में पढ़ लेते हैं और जो नहीं दिखता है उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तो इसी में हम लोग का है, तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ का स्वाद, जैसे लाइफ बोले बायोलॉजी में, तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है अनिकेत बताएगा क्योंकि तुम ही से पढ़ा है। लिविंग बीइंग का बेसिक यूनिट क्या है? कोई भी जीव जो बनता है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट सेल है ना। उसी तरह से इसमें क्या है, हम लोग पढ़े हैं क्या, कोई भी सामान बनता है मटेरियल, उसका बेसिक यूनिट क्या है? एटम्स। कौन खड़खड़ आवाज़ कर रहा है? सबको हम सब पता ना ये क्या दुश्मनी है। जासूस घुसा हुआ है क्या कोई क्लास में? कहाँ गया राहुल? नहीं आया है राहुल? कहाँ है? घर पे, वहीं से क्या पढ़ेगा वो? तुम लोग अच्छा देर से आया था ना, साइंस क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले थे? सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट है, क्या हो गया? छोड़ कैसे दे, पागल हो? साइंस सोशल साइंस मैथ रोशन पढ़ाया ना, नहीं मन भरा है फिर एक सप्ताह के लिए छोड़ दें? छोड़ देते हैं एक सप्ताह, फिर से फिर चार से मेरा एग्जाम है, फिर चार से एग्जाम है मेरा, चार से थर्टीन तक उसका जुगाड़ लगाएंगे, हालत खराब कर दे एग्जाम ले लेकर के, ठीक है? तो सबका होगा, सबका क्या हो गया? सैटरडे कर दे या संडे को कर दे, सैटरडे को क्लास करा देते हैं, इंग्लिश बहुत दिन से नहीं हुआ है, संडे ही ठीक रहेगा। नहीं जितना पढ़ा है उतना का, ठीक है? तो हम लोग जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री या साइंस जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत तरह का सब्सटेंस देखते हैं ना, बात नहीं करो, बात नहीं करो नहीं तो पूछने लगेंगे, तुम लोग पढ़ा हुआ बच्चा पीछे पढ़, आ जाओ तुम यहाँ निकल के आ जाओ, समीर उसके साथ बैठेगा झूठ मूठ का कॉन्सेंट्रेशन, तुम भी छोड़ दो उसको, निकल के इधर आ जाओ,
तुम क्यों छोड़ रहा उसको, हम निकाल रहे उसको, अकेले बैठने दो पीछे। अरे पीछे ठंड लग जाएगा, मैं उसको अकेले रहने दो, आगे आ जाए इधर, इधर पूरा खाली है, कहाँ पीछे एक ही जगह सब बैठ गया है। ठीक है तो हम लोग जब हो गया, अरे ठीक तो है रहने दो ना, फैलेगा चारों तरफ, ठंडा लग रहा है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी साइंस में तो क्या आता है, बहुत तरह का मटेरियल आता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं जो सबसे बेसिक और मतलब जो भी मटेरियल होता है वो क्या किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, एटम से मिलकर के बनाता है ना, एटम। एटम का हम लोग क्या पढ़े थे, एटम जो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा डिवीजन इसका हो चुका है, जो कोई आदमी नहीं होता है ना, टूटते टूटते टूट जाता है तो क्या करता है वो, अब उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, अब उसका कहानी ख़त्म हो गया, मतलब ये टूट चुका है अब बहुत ज़्यादा, अब इसको तुम किसी भी तरीका से नहीं तोड़ सकते, ना ही फिजिकली, ना ही केमिकली और ना ही इमोशनली। अब इमोशनली तो इसको तोड़ेंगे नहीं, आदमी टूटता है इमोशनली। ठीक है तो ये एटम हो गया, इसको डिफाइन भी कर दे, सब पहले से कराया हुआ है, डेफिनेशन छोड़ दो, सिर्फ समझा देते हैं। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो कि डिविजिबल नहीं होता है, ना ही तो ना केमिकली और ना ही फिजिकली। ठीक है अब जो एटम होता है ना वो मिल करके बना होता है किस चीज़ से, आनंदिता बताएगी, एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताए थे, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको बताना नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो मेरा स्पेलिंग अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्पेलिंग के ऊपर कोई आँख मत गड़ाना, जिसको लगता है कि गलत है सब आसपास में बात कर करके सुधार लेना, अभी मेरा माइंड अभी स्टेबल नहीं हुआ, एग्जाम ही के माहौल में अभी फंसे हुए, एग्जाम इतना कट हुआ है, इतना कट हुआ है ना मेरा। चलो बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे ना, चुपचाप बैठे रहते, नहीं पता, पढ़ा नहीं है। कहाँ रह जाता है तुम, जल्दी घुसाओ, दरवाज़ा लगा दो। अरे बच्चा एकदम नया नया पहन के आया हो, राखी में गया तो लगता है कि तुम ही गिफ्ट ले लिया बहन से, है ना, सही बोला। ठीक है इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, कौन बताएगा डेट के साथ, थॉमसन, थॉमसन और टाइम, टाइम नहीं वो तो उसका है, अभी इलेक्ट्रॉन का टाइम बता दो, टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पढ़ा है ना तुम लोग को हिस्ट्री में, टाइम का महत्व तो क्या होता है, डेट, हाँ तो ये भी इतिहास है, जो पहले हो चुका है वो इतिहास है, तो इसका डेट जरूरी है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 के बाद, हाँ 19 के बाद 19 सेंचुरी में हुआ है, ठीक है आधा पहुँच गया, इसका 1932, इसका 1919, 1919 ईस्वी में किया था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, है ना, निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या हम लोग पढ़े हैं कि हर कोई एटम जो होता है फ्री स्टेट में जब होता है ना तो उस पर ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। जैसे हम लोग बात करें किसका, किसी भी एटम का बात कर लो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ रहेगा, प्रोटॉन यहाँ रहेगा, ठीक है ध्यान रखना न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है हम बोल रहे हैं कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है तो इसमें 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और प्रोटॉन 6 हो गया, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए 6 क्लास में पढ़ना है, पता नहीं सबके बुक में नहीं देता है, किसी किसी के बुक में दे देता है ये क्वेश्चन, एक बच्चा से हम बहुत बार पूछे थे उसको, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, कोई भी एटम जो होता है विद्युता उदासीन, हिंदी वाला जो बच्चा है उसको बोलेंगे विद्युता उदासीन, है ना, इलेक्ट्रिकली मतलब क्या है, विद्युत होता है ना, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युता उदासीन होता है क्योंकि उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, उसमें क्या पढ़ाए थे, पीरियोडिक टेबल उसके पीछे गिर गया, हटा कर उसको अरेंज करना है, हो जाएगा, संडे को सब रेक को भी साफ करेंगे, बहुत डस्ट आ गया देख रहा है। ठीक है तो क्या होता है, जो एटम है पीरियोडिक टेबल तो अभी पीछे गिरा हुआ नहीं बता सकते हैं, जो एटम का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके किस दो बेसिस है ना, उसका पोजीशन दो आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं, या तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। जैसे हम बोले क्या कार्बन का है एटॉमिक नंबर 6, मतलब पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ पे है, 6 नंबर पे, और 6 यहाँ जो लिखे ना इसका मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा, ठीक है। और ऊपर में हम लोग लिखे क्या 6 का 12, लगभग लगभग डबल होता है, डबल से ज़्यादा होता है ना, तो ये हो गया, तो ये जो है तुम्हारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको डिनोट करते हैं हम लोग, सॉरी ए से करते हैं शायद, एटॉमिक मास को ए कहेंगे और इसको जेड कहेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत किया करो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बेसिक से चल रहे हैं। एटम हो गया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम मॉलिक्यूल भी बताएंगे, एटम जो जिस चीज़ से मिल करके बना है। अब देखो हाइड्रोजन का हम बोल रहे हैं एक एटम, या फिर कार्बन का बोल रहे हैं एक एटम, हाइड्रोजन के साथ ही जब कंबाइन कर लेगा तो ये बनाएगा H2, ठीक है। उसी तरह से कार्बन जब कार्बन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा C2। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं या जो मिलेंगे सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, है ना, एलिमेंट। जब एक या एक से अधिक ही एटम, एक तो कंबाइन नहीं करेगा, एक से अधिक एटम जब खुद से ही कंबाइन कर ले, खुद से ही रिएक्ट करके जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। तो एलिमेंट्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग फिजिकल और केमिकली उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा किसका नंबर, कंपाउंड का नंबर। कंपाउंड में हम लोग क्या देखेंगे, C+O2, यहाँ पे कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, और रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो हमको ये सब पढ़ना है, लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना, यहाँ बेसिक्स के लिए था, लिखना है क्या किसी को, वीडियो डाल देंगे वहाँ से लिख लेना, कम से कम ऐसे वहाँ व्यू भी तो बढ़ेगा क्या। तुम लोग तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हो, खुल के बोल दो ना, कोई है जासूस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो पढ़े थे ना एटम का स्ट्रक्चर में, हम लोग जो गोल गोल अभी बनाए थे इसी के ऊपर आते हैं। ये एटम था, है ना नंदिता, इसके अंदर में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर बाहर मूव करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्लास शुरू होगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर है। हम लोग को पढ़ना है टॉपिक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारा 12th तक चलता है, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चलते ही रहता है। एटम किस तरह से बना हुआ है, जैसे अगर बायोलॉजी में पढ़ना है तुमको ह्यूमन का बॉडी, तो ह्यूमन का बॉडी का हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, कैसे बना हुआ है, क्या क्या बॉडी में ऑर्गन है, सब पढ़ते हैं ना, है ना। अब साइज थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं साइज क्या होता है न्यूक्लियस का, और साइज क्या होता है एटम का, एटॉमिक साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बताए थे, डेसी सेंटीमिली जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। अच्छा बड़ा कौन होगा, साइज ऑफ एटम बड़ा होगा कि न्यूक्लियस बड़ा होगा, देखने से क्या लग रहा है, न्यूक्लियस बड़ा है कि एटम बड़ा है, एटम बड़ा है ना, ठीक है। अब बताना 10^-12, 10^-10, इन दोनों में कौन बड़ा है, -10 जो है वो बड़ा है, क्यों, क्योंकि माइनस में जो भी नंबर जाता है वो क्या, कुछ और बोल रहा था क्या, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अरे ऐसे तुम मान लो गलत बोल भी दिया तो क्या दिक्कत है, इसके बाद नहीं बोलना, ठीक है। माइनस में नंबर कोई भी जाता है, जितना पीछे जाएगा उतना छोटा होता जाएगा ना, -100 रुपया मतलब क्या, तुम पे कर्ज चढ़ गया 100 रुपया, ठीक है। और हम मान लो मेरे पास 0 रुपया, तो ज़्यादा अमीर कौन है, जिसके पास कुछ नहीं है वो अमीर है। कर्ज लेकर के तुम अगर दिखावा भी कर दिया तो क्या, तुम बड़ा थोड़ी हो गया, आएगा सब लेकर के चला जाएगा, उसके बाद मारेगा भी, और भी इलाज में खर्चा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये है, देखो किसान बात करता है, साइज ऑफ एटम हो गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो होता है, पीरियोडिक टेबल में जो टेबल बनाया हुआ है उसमें जो ये 7 ऐसे है पीरियड्स, और ऊपर से आया है ग्रुप्स, इस तरह से बांटा गया है, उसका पोजीशन है सबका अलग अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, फिर यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, किस तरह से अरेंज किया हुआ है, और भी बहुत कुछ है इसमें, अभी सीखेंगे धीरे धीरे। अब देख लो ये तो हो गया साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब इसको हम किस में डिनोट करेंगे,
मीटर में करेंगे, है ना, मीटर में करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है तो मीटर में करेंगे। अब ये जो है हम लोग का न्यूक्लियस कहलाता है, उसके ऊपर ये है सेल, ठीक है, सेल, और सेल को हम लोग डिनोट करते हैं के एल एम एन से, ठीक है, सेल कहते हैं। सेल का मतलब क्या, एक लेयर समझ सकते हो तुम, ये मेन तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके ऊपर अगर पहला लेयर है तो पहला सेल, दूसरा लेयर है तो दूसरा सेल, तीसरा लेयर है तो तीसरा सेल, और समझ लो तीसरा लेयर है तो तीसरा सेल। तो पहला लेयर है तो के, इसको हम लोग के सेल बोलेंगे, इसको एल सेल बोलेंगे, इसको एम सेल बोलेंगे, ठीक है ना, एम सेल बोलेंगे, तीसरा एम, और बढ़ेगा तो और जाएगा, अभी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही भरेंगे ना, ठीक है। इसके बाद आएगा हम लोग का क्या, सब सेल। सब सेल हम लोग का होता है क्या, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। सब स्मॉलेस्ट है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, पी में मैक्सिमम रह सकता है 6, डी में मैक्सिमम रह सकता है 10, और एफ में मैक्सिमम रह सकता है 14। समझना, इसके बाद ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू होगा, ठीक है। सेल समझ में आ गया, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे लेयर बढ़ाना हमको है। अब यहीं पर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितना रह सकता है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है 2n2, ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। को ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं और इसको ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है ना, सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का नाम कभी सुना है, सोलर सिस्टम में ऑर्बिट सुना होगा, है ना, ऑर्बिट गोल गोल घूमता है ना सन के चारों तरफ, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल भी आएगा तुमको आगे पढ़ने के लिए। 2n2, अब देखो 2n2 में हम अगर डालें इसको, अगर इसको हम लोग कह सकते हैं पहला सेल, क्या हो गया गौतम, तुम अलग होकर के यहाँ जाओ, तुम बार बार बात कर रहे हो, वहाँ से निकल जाओ यहाँ, एक तो समझने में थोड़ा सा तुमको दिक्कत है, उसके बाद फिर वैसे परेशान आराम से, हाँ ठीक है चलो। इस ये है पहला सेल, अब इसको हम लोग n बराबर, ठीक है, 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n डिनोट कर रहा है यहाँ पे नंबर, ठीक है ना, n नंबर डिनोट कर रहा है। अब ये पहला नंबर है तो n हो गया फर्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1, n को n n के जगह पे रख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर वही होता है ना, सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो गया इसका 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब पहला जो सेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 ही रह सकता है, 2 ही रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया 1 और हीलियम हो गया 2, लिथियम जैसे ही आएगा लिथियम, ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है इस पर, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये पहला सेल हो गया, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन लिथियम में आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको दूसरा सेल बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, एटम बड़ा होगा, साइज इंक्रीज करेगा इसका, ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, इसी में पीरियोडिक ट्रेंड भी कर देंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम इसमें 2, अब 2 से जैसे ही ज़्यादा होगा एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो दूसरा सेल बनेगा, दूसरा सेल बना, तो यहाँ पर रख करके देखो 2n2, 2 n के जगह पर रखो 2 का स्क्वायर, इसमें कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और इंटू 2 इसमें आ जाएगा 8, तो ये इसमें तो मैक्सिमम 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया ना, तो अब कितना तक इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना एलिमेंट तक, 8 इसका और 2 इसका, 10, 10 किसका है एटॉमिक नंबर, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, डी, डी कौन एटम है, डी से कौन एलिमेंट है, अरे मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, तीन ही चीज़ होता है ना दुनिया में, तीन ही चीज़ एग्जिस्ट करता है ना, कोई भी चीज़ मौजूद है या तो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, नहीं तो फिर सेमी मेटल होगा, है ना, तो बताओ डी, ऐसा तो हम नहीं कोई सुने, हाइड्रोजन का आइसोटोप से नींद आ रहा है तुमको, यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे ही 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा फिर अलग सेल में जाएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोरीन है 9 और नियॉन हो जाएगा हम लोग का 10, फ्लोरीन 9 आता है ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियॉन 10,
नियॉन 10, उसका सोडियम आता है 11, सोडियम क्लोराइड का नाम सुना है ना, नमक जो रहता है NaCl, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, इस तरह से है। तो 10 तक ये कर लेगा, यहाँ तक सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 11th इलेक्ट्रॉन को इसमें आने के लिए आएगा ये। अब देखो इसमें है तुम्हारा फिलिंग ऑफ, अगर हम सेल बोले तो एस में क्या बोले हम कि दो ही रह सकता है, तो एस में ऐसे भरेगा, पी में कितना रह सकता है, 6 रह सकता है, ना, तो तुम्हारा इस तरह से कंपार्टमेंट बनेगा, पहले भरेगा ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये सिंबल है बताने के लिए, पहले सिंगल सिंगल भर जाएगा, जब पूरा सिंगल में तीनों भर जाएगा उसके बाद यहाँ से भरना शुरू होगा, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर इसी में 3, ये स्ट्रक्चर है इसका ऑर्बिटल का, पी का, ठीक है, उसका डी आएगा तो इसी में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और एफ में 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाथ क्यों उठा रहा था, एफ में हाँ 7 होगा, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखो ये सब तो समझ में आ गया, नंबर पोजीशन भी एटॉमिक नंबर हम लोग याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल का रट रट करके, है ना, उसके बाद अब आएगा लिखने के लिए क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। दो तरीका है, या तो तुम याद कर लो और नहीं तो तुमको बनाने आना चाहिए, है ना। तो पहला का हम लोग लिख दिए 1s, उसके बाद 2s, 2p, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 2 तक ही है, 3s, 3p और 3d, याद रखना सब स्मॉलेस्ट लेटर में यूज होगा, और उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, ये आगे जाएगा। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, भरेगा कैसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे आएगा, पहला में जाएगा, उसके बाद इसको बिना टच करे करे हुए जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसा देखना गड़बड़ होता है इसमें बनाने में, ये आएगा, फिर आगे यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5, तो ये इस तरह से होगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p के बाद 4s आया, 3d, 4p, 5s यहाँ पे आ जाता है ना, 5s आ जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 3d, 4p, 5s, 5s, 4d, 4d, 4d के बाद 5p, 5p और 6s, इसको हम लोग याद भी रख सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको लिखना नहीं है ना, मिटा दे, क्या हो गया, आँख में पानी आ रहा है तुम्हारे, क्या ऐसा ही है लाइट के वजह से, क्या नहीं मेरे को आदत है, आँख तुम्हारा दिखाना पड़ेगा, टीवी देखती हो, मोबाइल, विटामिन ए का कमी है, गाजर खाओ, किसी को नहीं उतारना था ना ठीक है। अब जैसे देख लो कोई एलिमेंट ले लिए हम लोग, आयरन ही लेकर के चलो, आयरन का कितना है एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, कोई नहीं, आयरन इतना यूज करता है, आयरन 26, आयरन 26 26। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, या तो सेल के फॉर्मूला से और नहीं तो इससे, सब सेल से, सेल से हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 2 8, ऐसा भी मिलेगा तुमको कभी कभी, ये सेल से है, और सब सेल से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 8 कितना हो गया 10, 10 के बाद 2 8 8, नहीं 2 8 18, 10 18 दो 20 28 हो गया 16 16, ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन देखो इसका बना देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस आयरन का पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा सेल जिसमें 8 भर गया, 8 भरते ही तीसरा में चला जाएगा, और तीसरा में कितना भरा 16। अब 2n स्क्वायर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि तीसरा में कितना रह सकता है, 2n का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ 3 अगर रख दें और 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, 9 2 18, मैक्सिमम 18 रह सकता है, ये 16 ही है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरेगा, मतलब 2 एलिमेंट का और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है। अब इससे लिखते हैं 1s, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है,
टू एस पे दो और टू पी पे छः, एस बढ़ गया पी बढ़ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एट था, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब तीसरा सेल बनेगा तो यहाँ पे लिखाएगा थ्री एस, एस में कितना, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, यहाँ पे लिखे थे ना एस में मैक्सिमम दो रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, कम रख सकते हैं हम लोग। जैसे पी का कैपेसिटी सिक्स है, क्या बोले हम कि पी का कैपेसिटी सिक्स है, पहले ऐसे भरता है, तो पी में हम लोग एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि एक रूम में है, एक रूम है जिसमें छः आदमी को रहने के लिए जगह है, तो ऐसा नहीं है ना कि एक आदमी आएगा तो उसमें नहीं रह सकता है, एक आदमी भी रह सकता है लेकिन छः से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तुम उसमें सात को अगर चाहोगे एडजस्ट करना तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो कम रह सकता है ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो ये हो गया 3s2, कितना हो गया, दो छः आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, बारह बारह वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी, पी पे कितना जाएगा सिक्स अगर डाल देते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा दस दो बारह, बारह छः अठारह, अठारह वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस पे टू और थ्री डी, फोर एस के बाद थ्री डी चला गया, दस हो गया दस, दस बीस और यहाँ पे आ गया सिक्स, ठीक है सिक्स, ये हो गया इसका, इसको कहते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ये पहला जो सेल है ना फर्स्ट, उसके लिए लिखे हैं वन एस, दूसरा सेल शुरू हुआ उसमें टू एस और 2p, इसमें s का पहले दो भरेगा उसके बाद p का सिक्स भरेगा, तभी ना आठ इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। उसके बाद 3s 3p क्यों हो गया और 3d, क्योंकि इसमें p तक भरा आठ ही इलेक्ट्रॉन आएगा ख़त्म, इसमें हम लोग तीसरा में रख सकते हैं 18, ठीक है 18 रख सकते हैं, तीसरा में 18 रख सकते हैं, तो ये हो गया 2, 6 और 10, कितना हो जाएगा 6, 2, 8 और 10, 18। अब फीलिंग मतलब इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है, इसके लिए लॉ है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आता है, सबसे पहले 1s में भरेगा, 1s में भरने के बाद कहाँ जाएगा, 1s में भरने के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद फिर 3s में जाएगा, फिर 3p जाएगा, फिर 3d जाएगा, इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p के बाद 4s में जाएगा। मतलब पहले अगर p का भर गया इसमें रह सकता है s p d, समझना, देखो छोटा सा बना देते हैं, इसमें सिर्फ s रहेगा, इसमें रहेगा sp, इसमें रहेगा spd, इसमें रहेगा spdf, ठीक है ये समझ में आ गया, ऑर्बिटल रहता है spdf। देखो कह रहा पहले सिर्फ s भरेगा, मतलब 1 का s भर जाएगा, उसके बाद फिर 2 का s भरेगा, मतलब इसका 2 भर गया, उसके बाद फिर 2 का p भरेगा, उसके बाद तीसरा का s भरेगा, ठीक है तीसरा का s भरेगा, उसके बाद फिर तीसरा का p भरेगा, तीसरा का p भरने के बाद ना इलेक्ट्रॉन पहले अब फिर 4 का s भरेगा, जैसे ही p भर जाएगा ना उसका एक और सेल बन जाएगा, पहले 4s का भरेगा फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भरना शुरू होगा, ये बन जाएगा पहले तुम्हारा p, इसमें p जैसे ही भर जाएगा तो इसके d में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले फिर एक और सेल बना लेगा, फिर उसका s भरेगा। देखो 3p हो गया, 3p भरने के बाद इसका d भरना चाहिए था, 3 का d भरना चाहिए था ना, लेकिन d नहीं भर करके कहाँ भरा, एक और सेल बना ले गया और 4s भरा। आप समझ में आया कुछ, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 2p के बाद 3s भर गया, 3 के बाद 3p भर गया, अब 3p के बाद मन कर रहा होगा हम लोग का कि क्या भर दे, 3d भर दे, है ना 3d भर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब 4s भर जाएगा। अब इसके लिए प्रिंसिपल दिए है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है अफ बउ, अफ बउ, ये तुमको पढ़ना है 12th में, ठीक है इसलिए इसको अभी नहीं बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तभी तो तुम्हारा अभी से शुरू होगा 6-7 से, उसका चलेगा 12th तक, ये ग्रेजुएशन हम किए नहीं है फिजिक्स से तो हमको पता नहीं है, शायद उसमें भी पढ़ने के लिए हो, ठीक है। तो इस तरह से ये भरता है, अब भरने के बाद देखो होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है, इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसके मदद से हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, है ना अनिकेत। और सबसे पहले क्या हम लोग को पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, बहुत कुछ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा, ये बताएगा वो बच्चा जिसको नींद आ रहा था,
दिन दो ही कंडीशन में आता है, या तो तुम रात भर जग के गेम खेला है या फिर हम पढ़ा रहे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इतना बुरा पढ़ाएंगे। दूसरा पहला रीज़न है या तो तुम मूवी देखा है या फिर रात में उठ करके तुम बात किया है किसी से या फिर तुम गेम खेला है। जागने का और कोई बात, पढ़ने के लिए तो रात भर अभी नहीं जागेगा, इतना तो हम भी सियोर थे क्योंकि 7-8 में हम भी नहीं पढ़ते थे। क्या वजह बताओ नींद आने का? ठंडा एसी से कभी नींद आता है देखो देखो चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ निकेत, नहीं छोड़ो वो बताएगा, समीर बताएगा, नहीं नहीं बता पाएगा और कोई अनिकेत के अलावा? हाँ जो भी मन में आता है बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑर्बिटल ही का ना बात हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, वैलेंस ही। देखो इलेक्ट्रॉन कह रहा है इसका मतलब क्या कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का लिख दे, जैसे कार्बन का 6 है ठीक है, 1s2 2s2 2p2, हो गया ना 6 ठीक है। अब इसको अगर अरेंज करने की कोशिश करें, न्यूक्लियस पहला में 2 और दूसरा में इसका 2 और इसका 2 है ना, क्योंकि दोनों सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट का कितना हो गया यहाँ 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना। तो ऑर्बिट क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल का नहीं कर रहे हैं। ऑर्बिटल कहते तब पी होता है ना, तब वहाँ पे पी होता, ऑर्बिट कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन का जो अभी बनाए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके लिखे, तो ये क्या यहाँ पे हुआ, इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, यहाँ पे देखो कार्बन का ये स्ट्रक्चर है एटम का है ना, क्या लग रहा है तुमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका आंसर सब कोई देगा, अभी इसी पर 3-4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिखा हुआ तो दिख तो रहा है 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कह रहे हैं। आउटर मोस्ट कौन होता है, बाहर का ना, ये तो अंदर का हो गया, इसके बाहर का ये है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 आ रहा है ना, सबको कंफर्म हो गया ना, कोई दिक्कत तुमको? शिवम सत्यम, सत्यम शिवम भूल जाता है, तुम्हारा नाम शिवम है मतलब उसका भी शिवम होगा, इसका समझ में आ गया तुमको? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पता चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले समझ में आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट देखें कैसे, यहाँ पे जो न्यूमरल है नंबर जो लिखा हुआ है वो ऑर्बिट बताता है, पहला ऑर्बिट और के का लिखे थे ना हम लोग यहाँ पे, के इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2 ठीक है, एम इज इक्वल टू 3, तो जो नंबर है वो बताएगा ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट के बारे में कौन बता रहा है, ये दोनों बता रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ जो लिख रहे हैं 2, 2, 2, 3, 4, 6 जो लिख रहे हैं ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कार्बन का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात बोले तो हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, पिछले क्लास में बताए ना ये सब, सब तुम लोग को क्या हो गया है, क्या चाहते हो, इसीलिए तो आज शूट कर रहे हैं कि आप फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, परेशान परेशान कर देता है तुम लोग। वैलेंसी कौन बताएगा, तुमने, तुमको आता है, उसके अलावा कोई नहीं, सब गांधी जी का बंदर बन गया है, आँख नाक कान सब बंद करके बैठा रहता है। वैलेंसी क्या बताता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ठीक है। अब चाहिए तो क्या करेगा, या तो वो लेगा इलेक्ट्रॉन या फिर देगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, या तो दे सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो, मान लो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो दान करेगा ठीक है, लग रहा है ज़रूरत से कम पैसा है तो किसी का छीन लेगा ठीक है ना, दो ही चीज़ हो सकता है ना। क्या लगता है आदमी को कभी सफिशियंट लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा है नहीं कमाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, सबको ज़्यादा का चाहत होता है, कोई कोई बहुत ज़्यादा कमा लेता है जैसे बिल गेट्स, तो दान देता है है ना, दान देता है ना। तुम लोग को भी लगे कि ज़्यादा हो गया है तो डोनेशन दे सकता है, यूट्यूब पे आकर के वहाँ पे है थैंक्स गिविंग का, वहाँ पे जाओ और थोड़ा थोड़ा डोनेशन कर दो 10-5 ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है नीडेड, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और गेन
ऑक्टेट क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तुमको पूरा करना है, तभी वो जा करके क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बोले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 है, तो बाहर में हम बोले कि इसको 8 करना है, तो यह क्या करेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन 4 किसी को दे देगा, ठीक है, या फिर किसी से और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेना और देना उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च होता है ना, तो ऐसा नहीं करेगा। थोड़ा सा और भी इसका एग्जांपल लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर होगा। सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सब कोई, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, छोड़ो लिखो नहीं, सब कोई बहुत आवाज़ कर रहा है, हम यहाँ पे बोलेंगे, जिससे नाम पूछेंगे वो बताना, अभी हम पलटे हैं तो एक बच्चा को देख लिया, हम उसी से पूछेंगे, गौतम बताओ सोडियम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से इसको उठाओ और इसमें इलेक्ट्रॉन को भरवाओ, बताओ 1s कितना इलेक्ट्रॉन भरे, 1s ये तो लिख दिए पहला सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना डाले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है इसमें, s में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तुम लोग के चलते इतना महंगा पेंट कराए हैं ब्लू कलर से कि फोकस बना रहेगा तुम लोग का। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आनो 2, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब और इससे ज़्यादा भर सकते हैं, नहीं नहीं भरेंगे तो दूसरा सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि s रहेगा और 2p रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही भर सकते हैं, और 8 इतना में कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर जाएगा किस में, 3s में जाएगा, s में तो 2 का 2 हो गया, p में अब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको पूरा भर देंगे और बाकी जो बचा उसको धक्का मार करके दूसरे घर में भेज दिया, क्या हो गया, सेल हो गया। अब इसमें कितना बच गया इलेक्ट्रॉन, देखो 2, 2, 4 और 6, 10, इसमें है इलेक्ट्रॉन कितना, 11, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम रख सकता है ना, तो मिनिमम तो कितना भी रख सकता है ना, तो 1 हो गया। अब बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन, सौरभ बताएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तीसरा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका 1 क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया 1, वैलेंसी इसका कितना होगा, वैलेंसी क्या कहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा, दान कर देगा, है ना। गरीब आदमी भी अभी आएगा, देखो क्लोरीन इसका होता है 17, देखने ही से लग रहा है क्या कि 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 कितना हो गया, 10 8 18, चलो इसमें से एक कम कर देते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 और 5 और 2 कितना, 7, तो इसका क्या हो गया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी देखो इसका, वैलेंसी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा 8 हो जाएगा, तो इसका भी वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी इसका 1 होगा, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इसका भी वैलेंसी 1 होगा। तो जैसे ही सोडियम प्लस क्लोरीन एक दूसरे के पास आएगा तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, है ना। थोड़ा सा एरो नीचे से बनाते हैं ताकि हमको आयन बनाने में दिक्कत ना हो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अब चलो फिर से वहाँ चलो, जब बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, तो यहाँ न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ प्रोटॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस तो अंदर का चीज़ है ना, अंदर से वो तुम्हारा नहीं लेगा। मान लो तुमको मिट्टी काटना है धरती के ऊपर से, तो ऊपर में छेद करेगा कि सीधे कोर में पहुँच जाएगा, तो ऊपर में न खोदेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा धरती है, ये कोर है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें, ठीक है। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालना शुरू करेंगे, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यही
न्यूक्लियर फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। तो इस ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास जोड़ करके रखे हुए, अब इसको जैसे ही तुम निकालना चाहेगा तो बहुत ही ज़्यादा तुमको अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा उसको, या इससे एनर्जी खत्म होगा, रिलीज होगा, एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सोडियम जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है फ्री स्टेट में, है ना, क्यों? क्योंकि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। लेकिन अब हुआ क्या, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना था, तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या देगा गौतम, चार्ज का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऐसे करेगा, फिर से बता, नेगेटिव चार्ज होता। कहाँ रहते हो तुम, नहीं पढ़ने का मन करता है तो आना आराम से और छोड़ो। ठीक है, ये हो गया सोडियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही निकला सोडियम पे, हम बोल रहे हैं क्या, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें सिंबल दे दो तो अब कितना बचेगा, 1 प्रोटॉन हो गया प्लस में, तो यहाँ पे एक प्लस लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, आयनिक एटम कहलाएगा, क्योंकि इस पर आयन आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, और इस पर ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर निगेटिव हो गया, और ये दोनों मिल करके बन जाएगा सब्जी में डालने वाला नमक, खीरा में, ककड़ी में, सब में डाल के तुम खा सकता है। तो इतना कुछ हो रहा है नमक बनने में, अब समझ में आ गया। नमक बनाने का मन करे तो न्यूट्रॉन ये नाइट्रोजन लाना, क्लोरीन लाना, ये क्या है, मेटल है, जैसे लोहा है ना मेटल, उसी तरह से ये भी मेटल है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मेटल से नमक कैसे बन जाएगा, है ना, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्योंकि साइंस का पढ़ने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन उठना चाहिए। क्वेश्चन नहीं उठ रहा है इसका मतलब तुम सोने का कोशिश कर रहा है प्रिंस के जैसा धीरे धीरे। आवाज़ से पंखा फिर वो हो जाएगा, तो बंद कर दीजिए पंखा। बारिश हो रहा था उस दिन, तब एसी सब चलवाए हुए थे। हम रोशन से पूछे तो बोला कि नहीं नहीं सब, बोला कि चलने दीजिए चलने दीजिए। नहीं नहीं चलता था उस दिन। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं एक और चीज़ बस रह गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होता है, तुमको एटम दे देगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, ठीक है, और बताएगा कि बताओ पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ है। हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना, उसके मदद से कोई भी एटम जैसे है, जैसे ये निकल है, तो एग्जैक्ट इसका पोजीशन निकाल लेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पर आएगा। तुमको नहीं पता है, तुम कभी पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है, लेकिन तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है तो तुम्हारा पता चल जाएगा। देखो अभी निकाल करके हम बताते हैं, अब क्या निकलेगा, पीरियड और ग्रुप निकलेगा। इसी का बात करते हैं, क्लोरीन का बनाया हुआ है, मेहनत कम लगेगा। यहाँ पे अगर निकालना रहता है तो हम लोग कहाँ चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट में। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहाँ दिख रहा है, हम क्या बोले कि पीरियोडिक टेबल को इस तरह से बांटा गया है, ये हो गया। अब इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रो, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, नहीं सॉरी पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है और 18 ग्रुप में किया गया है इसको डिवाइड, पीरियोडिक टेबल को। यहाँ से तुम काउंट करके देख सकते हो, दिखा देते हैं तुमको। यहाँ पे देखो 18 दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये 7 है। अब तुम्हारा इसी तरह से रहेगा और तुमको फाइंड आउट करना रहेगा, ये 3 है तो इसका मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, तो वो क्या बताएगा, ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकेंड का, ये हो गया थर्ड का, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसी में से कहीं है जो तुम्हारा क्लोरीन है, है ना, तीसरे में कहीं पे क्लोरीन है। थर्ड पीरियड का मतलब जो सेल बताता है, हम लोग का सेल बताता है, वो क्या बताता है, पीरियड बताएगा, किस पीरियड का वो एटम है, किस पीरियड में उसको क्लासिफाई किया गया है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो पीरियड हम लोग का बताएगा उसका नंबर, या पीरियड का बताएगा सेल। अब उसके बाद आ जाओ उसमें जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये तो थर्ड का हो गया, और ये है यहाँ पर देखो ब्लॉक बता रहा है, पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है 4 ब्लॉक में, ठीक है। सबसे यहाँ पे जो 2 है इसको बोलते हैं हम लोग S ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब कहने का है कि आउटर मोस्ट, अच्छा इधर आ जाता है,
इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट। कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ना, यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है किस में है, पी में है ना, 3p। तो 3p कहने का मतलब है ये हो गया एस ब्लॉक का, ये हो गया पी ब्लॉक का, सॉरी ये हो गया डी ब्लॉक का, ये हो गया डी ब्लॉक का, ये हो गया पी ब्लॉक का, और यहाँ एफ ब्लॉक का है। तो जो बाहर का सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में ऑर्बिटल में रहेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी आ रहा है तो हम लोग का पी का होगा, क्लोरीन पी में आएगा, ठीक है। अब पी में कहाँ पे आएगा, पाँच, ये लास्ट वाला पाँच, सबसे पहले हम लोग पीरियड निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप में पता चलेगा किससे, पी जो है उसे पता चलेगा पी ब्लॉक का है, और पी में कितना नंबर पे, पाँच नंबर पे है ना, पाँच नंबर पे। तो पी का शुरुआत कहाँ से होता है, पी का शुरुआत होता है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें पाँचवा नंबर पे, तीसरा में, पहला हो गया ये, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा, तीसरा में पाँचवें नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच आ गया ना। पोजिशन तुम एग्जैक्ट बता सकते हो पीरियोडिक टेबल में अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है तो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, सब कुछ आ गया, उसके बाद दो एक्सेप्शन है। एक है क्रोमियम जिसका होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 24, और एक है कोबाल्ट जिसका होता है 29, ठीक है। इन दोनों का एक्सेप्शन है, क्यों होता है बता देते हैं, 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s, 2, 2s, 2, काउंट करते रहना, 2p 6, 10 हो गया, 3s 2, 3p 6, 18 हो गया, 4s 2, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 3d, 10, 20, 4, ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए ना ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होता ये। इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ से निकल करके इसको पाँच कर देगा, इसको वन कर देगा। अब ये होता क्यों है, देखो यहाँ पे बताते हैं, कभी बताए होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो आज जान लो। बस दो ही में एक्सेप्शन है, जैसे मान लो ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है तो स्टेबिलिटी अगर इसको अटेन करना है, स्टेबल होना है, ठीक है, स्टेबल होना है तो क्या करेगा, ये अपने सेल में इलेक्ट्रॉन को भरेगा। तो रूल क्या कहता है कि फुल फिल इलेक्ट्रॉन, जो पूरा का पूरा भर जाए वैसा सेल, या फिर आधा भरा हुआ सेल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डी का अगर हम बात करें तो इसका फुल फिल कब होगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा तब, और नहीं तो हाफ फिल कब होगा, 5 भरेगा तब, है ना। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करता है, इधर का इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, भेज देता है उधर, ठीक है। सबका एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबका नाम है, ठीक है, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद इसका क्या नाम है, अल्कली अर्थ मेटल, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब मेटल है, यहाँ पे तुम्हारा ये सेमी मेटल है और ये नॉन मेटल है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पूछ देता है कभी कभी दो तीन मेटल नॉन मेटल का नाम बताओ, तो मेटल से तो हम लोग परिचित है तो बता देते हैं, बहुत सारा मेटल है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेटल है, नॉन मेटल। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है सेमी मेटल में, है ना, सेमी मेटल का अगर नाम पूछ देंगे अभी तो कौन कौन बता सकता है। हाफ फिल और फुल फिल जो होता है ना, मोर स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करता है वो, देखो ना क्या कर रहा है, सब थक गया सब कोई, चलो थक गया तो बनाओ क्वेश्चन। अब 8-10 ठो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों लिखना है, ठीक है। कॉपी कहाँ है तुम्हारे, जाओ कॉपी लेकर आ जाओ। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे निकालना है। नाइट्रोजन है उसका 7 है, मैग्नीशियम है जिसका 12 है, सल्फर 16, आयरन 26, तीस,